मलिक हट गई है। ये देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है, वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूँ। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से, और ना ही हम पीछे हटे हैं, और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे दो घटना जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहां पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे, वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा, वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और लगातार 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। तो इस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने के लिए कृपया खबरें ना चलाएं। आपको क्या लगता है कौन इस तरह की कोशिश कर रहा है कि ये खबरें फैला रहा है? क्योंकि आज भी खबर आई कि नाबालिग लड़की ने वापस ले लिया साक्षी मलिक का ये मामला, कई सारी चीजें चल रही है साथ साथ। ये देखिए, यही है कि हम जब तक अपने डिसीजन पे जो हम पहुंचने जा रहे हैं इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए, उस डिसीजन को प्रभावित करने के लिए इस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं। लेकिन हम जो है लगातार डटे हुए हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको जल्द बता दी जाएगी। क्या सर आगे की रणनीति अब क्या बन रही है? दिल्ली पुलिस ने कोई जगह आपको अलॉट किया है आंदोलन करने के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो हमारे साथ किया है वो पूरे देश ने देखा है, पूरा देश उसके खिलाफ है। हमारे साथ हमारा जो सहयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो अपना अगला कदम और मजबूती के साथ उठाने जाए। ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि गृह मंत्री के साथ मुलाकात करनी पड़ी, अगर उस पर देखिए लगातार मुलाकातें हमारे कोचिज की भी और उनसे बातें चलती रहती है। हमारा कोई समझौता हुआ नहीं है, ना हम किसी भी निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं। ऐसे तो लगातार बातें जो भी है वो चलती रहती है, लेकिन हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर।